मुगल घोड़ी पर चढ़े इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, अंग्रेज घोड़ी पर चढ़े इनको तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई, आज भी मुस्लिम घोड़ी पर चढ़ते हैं इनको तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, तमाम धर्म के लोग घोड़ी पर चढ़ते हैं इनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति घोड़ी पर चढ़ता है तो इनको दिक्कत हो जाती है, इनके अहम पर चोट लगती है, इनको लगता है जैसे इनका खौफ खत्म हो गया, अब ये मालिक नहीं रहे, ये लोग आज भी हमको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि घोड़ी से इनका कोई रिश्ता है या घोड़ी पर चढ़कर कोई इनका दामाद बन जाएगा, बस इनको लगता है कि अब तो ये लोग जो हमारे सामने सिर झुकाकर और जूते सिर पर रखकर चलते थे वो हमारे सामने घोड़ी पर चढ़कर चल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये लोग हमारी बराबरी कर लें, घोड़ी पर तो जमींदार चलते थे आज ये नीच अछूत लोग चल रहे हैं, यह तो धर्म का अपमान है, ये तो हमारी जाति का अपमान है, यह तो हमारे गुरूर सम्मान को चुनौती दे रहे हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, इनको रोकना होगा, अगर आज इनको नहीं रोका तो कल इनकी हिम्मत और बढ़ेगी, फिर कौन हमारी गुलामी करेगा, फिर हमारे खेत कौन जोतेगा, बस यही है इनकी मानसिकता, ये आज भी संविधान को नहीं मानते और आज भी मनुस्मृति को दिमाग से लगाए हुए हैं, ये आज भी इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं है, बस गुलाम समझते हैं, इनका इलाज है संगठित होना, पहले संगठित होइए फिर इनको इनकी भाषा में जवाब दीजिए, याद रखिए किसी एक आदमी के वश का काम नहीं है यह और ना ही किसी एक आदमी के लिए है, यह संगठन का काम है और पूरे समाज के लिए है, एक पिट रहा है और दूसरा सिर झुकाकर देख रहा है, इस मानसिकता से बाहर आना होगा, एक के साथ सबको लगना होगा, वैसे भी रोज आप मर ही रहे हो तो क्यों ना सम्मान के लिए मरो, उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो आप पर हावी हो जाएं, मुट्ठी भर लोग हैं वो, अगर वो आप पर हावी होते हैं तो ये आपके डर और दब्बूपन के कारण, जिस दिन यह डर इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा उस दिन घोड़ी से इनका कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।